सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जतिन ब्लॉग्स। और आज मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज, और क्योंकि कॉलेज में प्रैक्टिकल है तो इसलिए। और देख लीजिए, मैं तैयार हो चुका हूँ और चलते हैं, अब कॉलेज के लिए निकलते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। तो कॉलेज में आज अब तक देखता हूँ मैं, अगर बाहर वीडियो बना पाता हूँ तो बनाऊँगा, नहीं तो मैं सीधे आपको मिलूँगा कॉलेज में। चलते हैं। तो अभी ना हम लोग कॉलेज में आ चुके हैं और ये देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे अब हमारे यहाँ अभी कोई भी नहीं आया हुआ है। तो आपको हम दिखाते हैं ये एक पेड़ जो कि मेरे कॉलेज में लगा हुआ है, और आप देख सकते हो कितना सुंदर। अरे ना, बहुत ही अच्छा पेड़ लगता मुझको, लेकिन मुझको ये प्लांट पता नहीं है। आप लोगों को पता होगा तो इसका नाम ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अभी ना यहाँ पे ये लगा हुआ है इस गमले में, काफ़ी बड़ा गमला है, और यहाँ पे इसमें ना मिट्टी भी देखे नहीं है। तो ये देखिए, ये लड़का चला आ रहा है, अब आज इसका प्रैक्टिकल है। मुंह क्यों छुपा रहे हो, क्यों शिवम? तो ना अब अभी सब लोग धीरे धीरे आने लगे हैं, तो सब लोग आ जाए फिर मैं ऑन करता हूँ कैमरा। तो अभी ना मैं आ गया हूँ अपने घर, और घर आने के बाद मैंने अब रिकॉर्डिंग ऑन की है, और मैं आपको दिखाता हूँ गुलाब के पेड़ में फूल जो कि लगे हुए थे, और अब गर्मियाँ आ गई हैं तो बिल्कुल ही डल हो जाते हैं। ये देख सकते हो आप कितने बिल्कुल मुरझा से गए हैं, और कुछ तो बिल्कुल इधर सूखे सूखे हो गए हैं। ये देखो, ये तो पूरा सूख गया है, और इनकी मिट्टी भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं नमीदार बची। और ये वाला गुलाब मेरा इतना ग्रोथ हुआ है इसका, इतना बड़ा। और यहाँ पे ना मैंने कुछ नए गुलाब के पेड़ लगाए हैं जो कि कटिंग है, और ये देखो एक लगाया ये है रेड वाला, और एक मैंने इस साइड लगाया है जो कि पूरा ये है वाइट वाला। और मैं अब आज आपको इस साइड की थोड़ी क्यारी भी दिखा दे रहा हूँ, और देख सकते हो आप ये देखो, इसमें ना इस इतने समय ये वाले फूल काफी ज्यादा खिले हुए हैं, और ये ना टब में लगा हुआ है, और काफ़ी अच्छा इसकी भी प्रूनिंग करनी है लेकिन मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ, और इतना ज़्यादा इसमें फूल आ गया है, फूल आया था और क्या कहते हैं कि थोड़ा इसका ग्रोथ भी हुआ, और ये डाल इस साइड को पूरा झुक गई है, ये इस साइड को झुक गई है, बल्कि इसे सीधा बिल्कुल होना चाहिए था। और इसको ही ना यहाँ ये वाली कटिंग भी कर देंगे हम। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ फूल लगाए थे, और इनको ना मैंने टायर में लगाया था, टायर के अंदर मिट्टी भर के, और देख सकते हो आप कितने बढ़िया से ये चले हैं, और इनमें ना फूल भी आने लगा है। और अभी ना सामने से गाड़ी वगैरह भी जा रही है, क्योंकि इस यहाँ पे इसीलिए मैं इधर वीडियो बहुत कम शूट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना गाड़ी की आवाज़ बहुत आती है। और अभी चलते हैं छत पे, देखते हैं छत में कौन कौन से पेड़ भी, आप मैंने पानी तो डाला नहीं था तो इसलिए वहाँ पे भी मैं देख लेता हूँ चल के कि कौन कौन से मेरे चले हैं कौन कौन से नहीं, क्या कंडीशन है इसकी। तो ग्रोथ अच्छी हो रही है क्योंकि इसमें तो बढ़िया वाइट वाले हैं, और कितना बढ़िया इसमें चल रहा है। और ये तो आप जानते हैं कि पॉलीथीन में लगा हुआ है, ये गमले था नहीं तो इसलिए मैंने इसको पॉलीथीन में लगाया था, और इसमें भी यहाँ पे भी बढ़िया अच्छे से चल रहे हैं। और ये वाले ना जो मैंने लगाए थे वीडियो में आपको दिखाया था, ये भी चल चुके हैं बढ़िया अच्छे से, देख सकते हो आप। और अब ना इनका सीजन जा रहा है, इसीलिए बिल्कुल अब ये देखिए इसमें बीज बनना स्टार्ट हो गया है, और अब ज़्यादा ये अच्छे भी नहीं लगते क्योंकि अब इनका सीज़न जा रहा है। बिल्कुल फूल वगैरह भी इसमें बंद हो चुका है, जो कलियाँ थी थोड़ा बस वही कलियाँ दोबारा से खिल रही हैं, नहीं तो अब कुछ भी नहीं इसमें।
और इस साइड ना धूप है पूरी। और ये जो मैंने लेट से लगाया था तो इसमें भी फूल आ रहा है, उस साइड वाला मैंने पहले लगा दिया था। और ये देखिए, ये भी मैंने कटिंग से लगाया था, देख सकते हो अब कितना बढ़िया चला। और अभी ना मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, एक मैंने लगाया था बल्ब वाले, जो आपको पता भी होगा रेड लिली, लिली का पेड़ है, पेड़ क्या प्लांट है, पौधा, जो कि आप देखती हूँ। ये देखिए मैंने लगाया था इसको, और इसमें ना मैंने बल्ब लगाए थे तो अच्छे से इसमें पत्तियाँ भी आ गई हैं। और ये गमला जो था वो बंदर ने तोड़ दिया था, इसलिए मैंने इसका पेड़ निकाल कर दूसरे में लगा दिया है। और इसमें मैंने अच्छे से बांध कर इसको, इसमें मैंने ये बल्ब वाला प्लांट लगाया है। और यहाँ पे भी रखे हुए हैं कुछ प्लांट, और इधर भी हैं। इधर तो बिल्कुल ये गुड़हल का तो बिल्कुल चल ही गया, मुझे तो लगा था कि ये चलेगा ही नहीं, लेकिन ये चल गया है अच्छे से। और इसका भी चल गया है, इसमें भी कई सारे वो आ गए हैं किल्ले, देख सकते हो आप। और हाँ, एक और इसमें भी चल गया है, ये देखिए, ये उसका पेड़ है, ये लता वाला है, अरे क्या नाम है उसका, मधुमालती, जो मधुमालती होती है ना, वो भी चल चुका है। मेरा लगभग सभी पेड़ चला है। और हाँ, आज मैं आपको दिखाता हूँ एक गुड़हल, गुड़हल भी तो मैं आपको दिखा दूँ, खिला हुआ है ये देखिए। इसको ना मैंने बोरी से ढक दिया था क्योंकि बंदर, ताकि इस पे बैठे ना, मतलब इसको गिराए नहीं, क्योंकि ये गमला है तो ये अगर गिराता तो ये भी तोड़ देते इसीलिए। और यहाँ पे जो रखा हुआ था वो उसने तोड़ दिया, इसी का, वो जो बड़ा वाला था। और यहाँ पे सदाबहार में भी बढ़िया बहुत अच्छे से फूल खिल चुके हैं, देखिए ये देखिए पूरे बढ़िया अच्छे से। और इसमें ना कुछ सदाबहार छोटे छोटे जम भी रहे हैं बीज के द्वारा जो गिरे हुए हैं। और ये गुलाब है, ये ऑरेंज वाला गुलाब है, वैसे इसमें भी बर्ड्स नहीं आई हैं, बट जब आएंगी तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा इसमें, क्योंकि इस बार इसने फूल वगैरह नहीं दिया है, पता नहीं क्यों नहीं दिया, लेकिन इस बार नहीं दिया। अगली बार ये बहुत ज़्यादा इसमें फूल लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा। और मैंने पिछली बार ये दूसरे गमले में लगा हुआ था, और मैंने गमला भी चेंज किया था और इसकी कटिंग भी की थी, उसके बाद से इसमें थोड़ा सा फूल आना बंद हो गया है। नहीं तो अभी देखते हैं, अगर जो काफ़ी दिनों तक और नहीं आएगा तो लगा रहेगा अपना, कम से कम अच्छा सा वही है। हाँ ये देख लो, और यहाँ पे ना वो क्या कहते हैं कि जो मैंने ड्रैगन फ्रूट का पेड़ लगाया था उसका भी इसमें अच्छा सा निकल आया है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हुई है। और यहाँ पे भी ये देखिए, यहाँ पे भी ग्रोथ आई है। और अब चलते हैं यहाँ से अपने। और हाँ, मैं आपको आज दिखाऊंगा नींबू के पेड़ में भी नींबू आ गए हैं, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ नींबू के पेड़ में नींबू, क्योंकि कटिंग छटिंग हुई थी तो उसके बाद से नींबू आए। यहाँ पे ना नींबू इस बार बहुत ही ज़्यादा आए हुए हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ नींबू कितना कितना ज़्यादा फूल खिला है, ये देखो कितना ज़्यादा फूल आया है, और इसमें एक एक डाल पर आए हैं, ये देखो। पिछली बार तो बहुत कम आया था, बट इस बार ना बहुत ही ज़्यादा आए हैं। और ये देखो, क्योंकि इस बार प्रॉपर पूरी धूप आ रही ना इस साइड, इसलिए काफ़ी ज़्यादा आया है। और इसमें नींबू बहुत बड़ा बड़ा होता है, और बहुत ही खट्टा और बहुत ही रसे वाला होता है। ये देखिए कितना ज़्यादा है,
और यहाँ पे ना फूल भी खिल चुके हैं, खिलना स्टार्ट कर दिए हैं। और इस वाले में ना कभी नहीं आए, लेकिन इसमें भी आ गए। ये देखो, दिख रहे होंगे आपको, छोटे छोटे आए हैं और ऊपर वाली डाल में आया है। ये देखिए, पूरा आए हैं बिल्कुल एक एक, पूरा बढ़िया अच्छे से। और यहाँ पे एक नींबू का पेड़ देखो और तैयार हो रहा है, और इधर वाली डाल में भी बहुत ही अच्छे से आए हैं। ये देखो, बहुत सारे नींबू आए हैं, मतलब फूल आए हैं, नींबू नहीं। सो ये चेक करिए गाइस, कितना ज्यादा ये खेल रही है, देख सकते हैं आप। हाँ, आओ आओ इधर आओ आओ, चेक करिए कितना ज्यादा। आप देखो, आप खुल गई है, काफी देर के बाद खुली है ना, इसलिए आओ। अब ये ना वहां पर चली गई है और पता नहीं क्या कर रही है, ढूंढ रही है कुछ, तो मैं इसको वहां से लेकर आता हूँ। तो अब ना हम इसको ले आए वहां पे, आप देखिए वो कहाँ पे है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो देखो, लो आओ आओ। वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है, और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपको कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।